वक्त आप सीधे हम रुख करेंगे जयपुर का, जहां पर राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष संबोधन के कर रहे हैं। लोगों के बारे में बात हुई और मुझे याद है लगान में उनकी उनका टैक्स का मामला था, वो लड़ रहे थे, उनसे उनकी उनसे पैसा लिया जा रहा था, उनका जो पसीना था, उनका जो खून था, उसका सही दाम उनको नहीं मिल रहा था। और लगान पिक्चर में वो किसान पहले अलग अलग थे, फिर वो जुड़ गए और वो अंग्रेजों के पास गए, उनका अफसर था और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए ये जो आप हमारे ऊपर टैक्स डाल रहे हैं, ये टैक्स सही नहीं है, हम इस बात को मानते नहीं हैं और हम आपसे लड़ेंगे। और जब अंग्रेज लोग अफसर उनको देख रहे थे तो उनकी आंख में दिख रहा था कि भाई वो सोच रहे थे कि इनमें क्या है, इनमें क्या दम है, ये कौन लोग हैं, धोती कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। और खैर जो अफसर था उसके दिमाग में दूसरी बात भी थी, वो सोच रहा था कि भाई मेरा रिमोट कंट्रोल तो लंदन में है, मेरा कंट्रोलर तो लंदन में है, तो मैं अगर इनकी मदद करना भी चाहूं नहीं कर सकता क्योंकि कंट्रोल रिमोट कंट्रोल तो लंदन में है। और वो किसान लड़ गए और जिन्होंने वो पिक्चर देखी है उनको मालूम है कि अंत में किसान जीत गए। और सिर्फ उस पिक्चर में नहीं जीते, किसानों ने मजदूरों ने सच्चाई में अंग्रेजों को यहां से बाहर कर दिया। अब 100 साल हो गए और जैसे सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में था वैसे ही आज भी सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में बैठा हुआ है। और मुझे याद है लगान में उनकी उनका टैक्स का मामला था, वो लड़ रहे थे, उनसे उनकी उनसे पैसा लिया जा रहा था, उनका जो पसीना था, उनका जो खून था, उसका सही दाम उनको नहीं मिल रहा था। और लगान पिक्चर में वो किसान पहले अलग अलग थे, फिर वो जुड़ गए और वो अंग्रेजों के पास गए, उनका अफसर था और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए ये जो आप हमारे ऊपर टैक्स डाल रहे हैं, ये टैक्स सही नहीं है, हम इस बात को मानते नहीं हैं और हम आपसे लड़ेंगे। और जब अंग्रेज लोग अफसर उनको देख रहे थे तो उनकी आंख में दिख रहा था कि भाई वो सोच रहे थे कि इनमें क्या है, इनमें क्या दम है, ये कौन लोग हैं, धोती कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। और खैर जो अफसर था उसके दिमाग में दूसरी बात भी थी, वो सोच रहा था कि भाई मेरा रिमोट कंट्रोल तो लंदन में है, मेरा कंट्रोलर तो लंदन में है, तो मैं अगर इनकी मदद करना भी चाहूं नहीं कर सकता क्योंकि कंट्रोल रिमोट कंट्रोल तो लंदन में है। और वो किसान लड़ गए और जिन्होंने वो पिक्चर देखी है उनको मालूम है कि अंत में किसान जीत गए। और सिर्फ उस पिक्चर में नहीं जीते, किसानों ने मजदूरों ने सच्चाई में अंग्रेजों को यहां से बाहर कर दिया। इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, शक्ति है, एनर्जी है, मगर गहलोत जी का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं। तो हमें गहलोत जी के एक्सपीरियंस को, जो यहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं उसके एक्सपीरियंस को जाया नहीं करना है और उनको सचिन जी की एनर्जी को जाया नहीं करना है। तो यहां पे बहुत सारे युवा हैं, एनएसयूआई के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, चिल्लाते हैं
धरना करते हैं मगर गलतियां भी करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस लोग हैं, वो जानते हैं कि चिल्लाने से इतना फायदा नहीं होता है, वो जानते हैं कि काम कैसे होता है। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये दो चीजें मिल जाए, प्यार से जो युवा शक्ति है और जो एक्सपीरियंस है जो हमारे पास दोनों बाकी पार्टियों से ज्यादा है, ये प्यार से मिल जाए। और ये मेरा लक्ष्य, मेरा लक्ष्य है कि यहां ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसको लगे कि कांग्रेस पार्टी में मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है या मुझे धकेला जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है। वो मेरा काम है, बाकी आपका है। आखिरी बात में जो हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, जो एमएलएज थे, एमपीज थे, जो हमारे प्रधान हैं, जिला परिषद के नेता हैं, लोकल बॉडी के नेता हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको पब्लिक से गहराई से जुड़ना पड़ेगा। और खासतौर से जो हमारे लोकल बॉडी के नेता हैं, जो नंद कुमार पटेल जी ने मुझे कहा था, देखिए एक दिन बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा राहुल जी मैं प्रधान भी रहा, मैं एमएलए भी रहा, मगर प्रधानी का इलेक्शन सबसे मुश्किल होता है। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसी कांग्रेस पार्टी चाहता हूं जहां एमपी की आवाज हो, मिनिस्टर की आवाज हो, एमएलए की आवाज हो, लोकल बॉडी की आवाज हो, महिलाओं की आवाज हो, आम वर्कर की आवाज हो और जनता की आवाज हो। आपने कल मेरी मदद की, आपने अपना प्यार दिखाया, खाना खिलाया, कल आपने पगड़ी नहीं पहनाई, पहना दी होती, पहनाई थी मगर मैंने गलत कहा, आपने पहनाई थी, मैंने उतार दी, मैंने उसको पहना रखना था। तो प्यार का रिश्ता है, जब भी आप लोग चाहो, चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, ललित मोदी सरकार के खिलाफ जहां भी आज आप मुझे लड़ाना चाहते हो, आप मुझे ले जाओ, मैं तैयार हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जयपुर में इस वक्त संबोधित कर रहे थे, आज दूसरा दिन, और ये कह रहे थे कि जनता के साथ गहराई से जुड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता।